राष्ट्रीय आपदा इस लिहाज से कि लगातार दूसरा वर्ष है जबकि पूरे देश में सूखा है और इस साल 39% देश के इलाके प्रभावित हैं। मोटे तौर पे कहें तो देश की 50 करोड़ आबादी सूखे से प्रभावित है। भलाओ नाना पाटकर का कि उन्होंने कुछ बोला तो मराठवाड़ा का सूखा हमारी निगाह में आ, लेकिन बुंदेलखंड के पास अपना नाना पाटकर नहीं, पूरे देश के सूखे का केंद्र यहाँ पड़ोस में उत्तर प्रदेश में है। ये बात हमें पता नहीं कि सूखा एक अदृश्य आपदा, भूकंप और बाढ़ अमीर गरीब सबको चपेट में ले, इसलिए सबकी चिंता बनती कि हम देश के सबसे सूखे से प्रभावित इलाकों में जाएंगे, किसान के पास बैठेंगे, उसका दुख दर्द सुनेंगे। कोई बैनर नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई शामियाना, कोई माइक, कोई गाजा बाजा, कोई आलोचना, कोई संघर्ष, कुछ नहीं। संवेदना, लोगों का दुख सुख समझना, सुनना और उसे आगे जहां तक हम ले जा सके ले जाने की कोशिश करना। केवल ये कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, खाली बैठ जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, सुनते हैं और आप लोगों के माध्यम से देश के सामने रख रहे हैं और हर राज्य में मुख्यमंत्री के नाम एक चिट्ठी भी लिख रहे हैं और यात्रा के अंत में हम प्रधानमंत्री के नाम भी चिट्ठी लिखेंगे और उनसे भी अनुरोध करेंगे। और ये सब चिट्ठी में कहीं हम आलोचना नहीं कर रहे, किसी का किसी पे दोषारोपण नहीं कर रहे। ये राष्ट्रीय आपदा का समय है, ये एक दूसरे पे दोषारोपण का समय नहीं और केवल ये देखने का समय है कि क्या किया जा सकता है। जहां तक राजस्थान की बात है, जैसा आपने कहा राजस्थान में सूखा, पूरे इस प्रदेश में सब काम रुक रुक के केवल सूखा रहा होगा। खरीफ की फसल लगभग चौपट हो गई, बाजरा बच पाया है, दूसरी दो चार फसलें बच पाई हैं जहां किसी ने व्यक्तिगत साधन से ट्यूबवेल का जुगाड़ कर लिया, संयोग से गांव में बिजली आ गई या फिर डीजल लगा के कर लिया, केवल वही कुछ फसल बच पाई, नहीं तो फसल चौपट हो गई। ज्यादातर इलाकों में पिछली रबी की जो गेहूं की फसल थी वो भी ओलावृष्टि अतिवृष्टि की वजह से बर्बाद हो, और उनमें से कई जगहों पे तो पिछली बार भी फसल अच्छी नहीं गई थी। अब एक किसान तीन तीन फसल लगातार फेल होना बर्दाश्त नहीं कर सकता, आज किसान की क्षमता नहीं है, कमर टूट जाती है किसान, किसान दबा हुआ है। कई गांवों में हमें महिलाओं ने बताया कितना दूर जाना पड़ता है, या तो किसी प्रभावशाली व्यक्ति के घर जाना पड़ता है जिसने अपने घर में बोर लगवा रखा है, या दूर किसी दूसरे गांव में जाना पड़ रहा है पानी लेने के लिए। पशुओं के चारे का बहुत बड़ा संकट, ऐसे में राज्य और सरकार को जिस तरह की भूमिका निभानी चाहिए, जैसी राजस्थान की परंपरा रही है, वैसा दिखाई नहीं दिया। तो इसलिए हम राज्य सरकार से कुछ अनुरोध कर रहे हैं। पहला तो कि सूखे की अविलंब घोषणा की, इस घोषणा का कानूनी महत्व, ये घोषणा होते ही सूखा राहत के काम शुरू करने पड़ेंगे। तो पहला सूखे की घोषणा की जाए। दूसरा, पीने के पानी का जिन इलाकों में संकट है वहां सरकार की तरफ से टैंकर उपलब्ध करवाए जाए। तीसरा, पशुओं के लिए चारा डिपो की जो राजस्थान की पुरानी योजना रही है सूखे के समय, पशुओं के लिए चारा डिपो खोले जाएं। चौथा, ये जो दो फसलें बर्बाद हो गई हैं, जहां जहां फसल 70-75% या इससे ज्यादा बर्बाद हो गई, जिसको लगभग पूर्ण माना जा सकता है, जहां लगभग फसल पूर्ण बर्बाद, उन इलाकों में और उन फसलों में जो बर्बाद, उनका जो फसल कर्ज वो माफ किया। पूरे कर्ज माफी जैसी बात नहीं कर रहा हूं, केवल आंशिक रूप से जिस फसल को सरकार मान रही है, सरकार का आंकड़ा कहता है कि हाँ यहाँ 80-90% फेल हो गए, वहां कम से कम उस क्रॉप का लोन माफ किया जाए, क्योंकि किसान कोई अवस्था में नहीं है वो लोन, और बाकी में उसका ब्याज माफ किया जाए और उसकी कुछ समयावधि की राहत दी जाए। जब तक सूखा नहीं खत्म होता तब तक उस पे मांग ना आए, तब तक उस पे दबाव ना हो वापस करने का, क्योंकि यही परिस्थिति है जो कि आत्महत्या की तरफ विवश करती। पांचवा, मुआवजा तुरंत घोषित किया जाए। पिछली फसल का मुआवजा कई गांव में मिला है जहां जहां हम गए, लेकिन सबको नहीं मिला है और ये किसी को समझ नहीं आता कि किसी को ज्यादा क्यों मिला है, किसी को कम क्यों मिला। तो एक सुव्यवस्थित तरीके से मुआवजा, ये पूरे देश भर की समस्या है। हमारा काफी चर्चा करने के बाद, कई विशेषज्ञों से बात करने के बाद, हमारा सुझाव कि सिंचित इलाकों में 20,000 रुपया प्रति एकड़ और असिंचित में 15,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया जा रहा है। छठा, मनरेगा। मनरेगा योजना बनी ही इस काम के लिए। ये मनरेगा योजना, आपको ध्यान होगा, महाराष्ट्र से पूरे देश भर में आई और ये सूखा राहत के लिए बनी थी ये योजना।
सूखा राहत में इसका इस्तेमाल ना हो, ये तो कल्पना से बाहर। आज हमने एक गांव में जरूर देखा कि वहां हो रहा था, लेकिन वहां सूखा राहत के तहत नहीं, वहां के सरपंच के उद्यम की वजह से हो रहा था। बाकी ज्यादातर जगह लोगों ने कहा 8-8, 9-9 महीने से कोई मनरेगा का काम नहीं हुआ है, साल साल से नहीं हुआ है, पिछले साल के पेमेंट नहीं आए हैं। मनरेगा का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाए, उसका इस्तेमाल मिट्टी और पानी के संरक्षण के लिए। और हाँ, मनरेगा में एक प्रोविजन है कि आपको मांगना पड़ता है। हमारा सुझाव है कि सूखे के अंदर मजदूर, उन्हें पता भी नहीं कि उन्हें मांगना है, उन्हें फॉर्म 4 भरना होता है, फॉर्म 5 क्या होता है, किसी को कुछ पता नहीं। ये काम सरकार क्यों नहीं करती? जो सूखाग्रस्त इलाके हैं उसमें मान लिया जाए कि हर पंचायत में मांग है और वहां पे किया जाए काम। और अंतिम राशन की जो व्यवस्था है, कागज पे हर परिवार को 5 किलो प्रति व्यक्ति 2 रुपए के दर से देने की व्यवस्था है, लेकिन हमने घूम घूम के पाया पीएल परिवारों के अलावा सबको मनमाने तरीके से ज्यादातर राशन डिपो वाले 1 महीना छोड़ के 1 महीना दे, जिसका कोई सरकारी आदेश नहीं है, लेकिन 1 महीना देते हैं, दूसरे महीना नहीं देते। कुछ गाँव में 3 किलो देते हैं, 5 किलो नहीं देते, और कहते हैं कि हमें तो ऊपर से आ नहीं रहा। हमारा ये सुझाव है कि इस सूखे से प्रभावित तहसीलों और सूखे की अवधि, जब तक सरकार मानती है कि सूखा है, उस अवधि में 10 किलो प्रति व्यक्ति की दर से, 10 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह 2 रुपए के हिसाब से गेहूं उपलब्ध करवाया जाए। दुनिया भर की शोध बताती है कि सूखे अकाल की स्थिति में सबसे बड़ा दान अन्नदान, सरकार के भंडार भरे हुए हैं, सरकार अन्न पहुंचा सकती है लोगों को, ये हमारी सिफारिश।